और यहाँ पे थोड़ा बीच में थोड़ा रास्ता खराब होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से पहुँच जाएंगे समय के हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा रास्ता खराब, अब ये देखिए इन लोग को देखिए, देखा एक चोमू है, ये लोग चोमू है, अभी आ गया है बाइक में, बाइक के सामने आ गए, देख रहा है कि एक बाइक आ रहा है, और ये तो मतलब टाउन। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग अभी शुरू कर रहा हूँ, और अभी से ये ब्लॉग शुरू होगा, रात को भी चलेगा, कल पूरा दिन को चलेगा, और कल शाम को ये ब्लॉग आप लोग को मिल जाएगा। तो सवेरे से कुछ हो रहा है आँख में, इस आँख में कुछ हो रहा है, पूरा दर्द कर रहा है मेरा, और आप लोग आँख का हालत देख भी सकते हैं, कुछ हो रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। तो अभी का सिचुएशन ऐसा है कि मैं दुकान में था थोड़ी देर, उसके बाद मैं घर आ गया, क्योंकि कल एक परीक्षा है और एक है, तो कल जेनरिक है परीक्षा, और थर्ड सेम में हूँ मैं, तो ये थर्ड सेम का फाइनल है, और 6 महीना तो नाम का बात है, डिग्री में 6 महीना होता नहीं है, आपका 3 महीना क्लास होता है, उसके बाद परीक्षा हो जाता है, उसके बाद 2 महीना मतलब 1 महीना बंद होता है, और 1 महीना क्लास नहीं होता है, उसके बाद से ऐसे ही हम लोग करते रहते हैं, वो लोग 6 महीना पार कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है गाइज, तो आप लोग देखते रहिए, अभी घर में है और थोड़ा लैपटॉप में काम है, इसलिए लैपटॉप निकाल लिया हूं मैं, तो थोड़ी देर बात करता हूं, ठीक है ना। तो गाइज अभी हम लोग पाकघर में है, और मैं मतलब कल ऑस्ट्रेलिया से हमारे एक गेस्ट आए हैं, उनका नाम है श्री 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 अमुक, ठीक है। तो ये मतलब ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, और ये बहुत बड़े एक शेफ हैं, और इनके हाथ का मतलब जादू है, इन्होंने बोला है। तो अभी प्याज काट रहे हैं, और अभी बनाया जा रहा है मैगी, और ये सिर्फ इतना ही बड़ा शेफ है कि ये सिर्फ मतलब मैगी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब मम्मी मम्मी से कभी मतलब बात कराएंगे, लेकिन आज नहीं कराएंगे, क्योंकि मम्मी का मतलब थोड़ा गुस्से में है, अभी कुछ उल्टा पुल्टा बोल देगी और ऐसे ब्लॉक खराब हो जाएगा, तो अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी भैया से ही बात करेंगे। भैया आप ये क्यों बना रहे हैं? तुम्हें खिलाने के लिए। हाँ, यही तो सुनना चाहता हूँ मैं, मेरे दिल में यही तो अरमान है सुनने के लिए। तो अभी ये प्याज काटा जा रहा है, कहाँ पे डालेंगे डालेंगे इनका बात है, लेकिन मैगी में कभी देखा नहीं हूं मैं प्याज डालने का, तो अभी देखते हैं कैसे बनता है, क्या बनता है, ठीक है। तो हम चाय पी लेते हैं और देखते हैं, और मम्मी से बात नहीं कराया हूँ इसीलिए, मम्मी पूरा गुस्से में अभी अभी ऐसे ही बोल देंगे ना ऐसा ऐसा बात, मतलब ब्लॉग तो बन जाएगा अच्छा, लेकिन खुद का मम्मी है इसीलिए मैं अपलोड कर देने से मेरा हालत खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं बताया आपको क्या क्या हुआ है। तो अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। आज अभी यहाँ पे बन रहा है मैगी, और थोड़ा स्पेशल तरीका से बन रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले भैया बना देंगे, उसके बाद आराम से हम लोग खाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी कितना समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा ऐसा बोला है, और यहाँ पे टीवी चल रहा है, मम्मी टीवी देख रही है, और यहाँ पे कुछ कर भी रही है, तो वही बात है गाइस। और आज क्या हुआ, मतलब एग्जाम का दिन है ना, तो मतलब पढ़ाई के मतलब पढ़ाई में इतना ही बिजी हूँ कि डेली ब्लॉग डाल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कुछ दिन ही मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, लेकिन 20 तारीख से गाइस पूरा मतलब हमेशा ब्लॉग आएगा, सवेरे ब्लॉग शुरू होगा और रात का खत्म होगा, और 20 तारीख से फिर से कंटिन्यू ब्लॉग होगा, और हमेशा होगा, डेली होगा, और आप लोग को डेली देखने को मिलेगा। लेकिन एक ही बात है कि ये कुछ दिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आप लोग खराब मत पाइएगा, देखते रहिए, प्यार सपोर्ट बना के रखिए, लेकिन 20 तारीख के बाद फिर से डेली ब्लॉग आएगा, ठीक है ना। तो देखते रहिए, आपका भाई पूरा ब्लॉग बना रहा है, और अभी गर्मी ही है क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ी देर बाद भैया दुकान जाएंगे, तो ऐसा ही चल रहा है पूरा जिंदगी एकदम मजा में। तो मैगी बनने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस अभी बन चुका है, देख लीजिए यहाँ पे नीमक है बुला, और नीमक नहीं ऐसा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोग पहले नीमक डाल लें, उसके बाद खाएंगे, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं इधर, तो खा के देखना पड़ेगा, उसके बाद गाइस मालूम होगा कि कैसा है। तो गाइस अभी खा के देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक ही है, चाउमीन जैसा लग रहा है, चाउमीन जैसा लग रहा है, बेटर देन चाउमीन हो जाएगा, खा लेते हैं उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 6:43, और अभी सवेरे का एकदम समय है, और नेचर देख के एकदम सवेरे का समय है, और अभी मैं उठा हूँ, थोड़ी देर हुआ है मैं उठा हूँ, और उठने के बाद अरे मुंह धोया हूँ, मुंह धो के थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ मैं, और आज जल्दी उठा हूँ क्योंकि आज परीक्षा है, मैंने आपको बताया था शायद कि 13 को परीक्षा है, तो मेरा नहीं है, जेनरिक है हम लोग का, और मेरा जेनरिक सोशियोलॉजी है,
तो वही बात है गाइज, अभी थोड़ा पूजा कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और रिवाइज करेंगे और चले जाएंगे कॉलेज। 9 बजे से परीक्षा है तो 8 बजे निकल जाना ही पड़ेगा। तो देखते रहिए, वो काल का ब्लॉग फिर से कंटिन्यू होगा, आज शाम तक ये ब्लॉग आप लोग के पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो देखते रहिए अपने भाई को, तो थोड़ी बाद मिलते हैं और अभी घर में ही है। तो क्या अभी टाइम हो चुका है 8 और मैं पूरा फुल रेडी हो चुका हूँ कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि 9 बजे से परीक्षा है तो आधा घंटा लग जाएगा जाने के लिए। और वहाँ पे मतलब वैसे रूम खोजना पड़ता है, क्योंकि हर हर एग्जाम में मतलब जैसे जेनरिक का हो गया या DTMG का हो गया, मेजर का हो गया, ये सबका अलग अलग होता है रूम में होता है परीक्षा, तो खोजना ही पड़ेगा सब। और आगे तरफ पूरा चेकिंग होता है। तो अभी बाइक को थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि सवेरे का समय है, इंजन ठंडा होके है, तो पहले कोल्ड स्टार्ट थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आराम से जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कॉलेज और कॉलेज में मिलूंगा। तो गाइस अभी घर से निकल चुका हूँ पूरा, तो थोड़ा समय लगेगा, आधा घंटा लगेगा कॉलेज पहुँचने के लिए। और अभी मतलब एकदम सूरज का रोशनी पूरा मतलब सर के ऊपर है आज, लेकिन अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे थोड़ा बीच में थोड़ा रास्ता ख़राब होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से पहुँच जाएंगे समय के हिसाब से। यहाँ पर थोड़ा रास्ता ख़राब है, थोड़ी देर के लिए मतलब ये मोबाइल को नीचे रखना पड़ा मुझे, क्योंकि पूरा रास्ता ख़राब था और 5 नंबर गियर में था, तो गियर कम करना पड़ा मुझे। तो वही बात है, आज तो जैसे भी है थोड़ा कुहासा थोड़ा कम है, वरना और दिन में कुहासा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से जाएंगे पहुँच जाएंगे। और सवेरे का समय का मतलब जो हवा होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और मैं अभी फील कर रहा हूँ वो हवा को, अच्छा लगता है जब ऐसे हवा मतलब आता है। और अभी मतलब एक हाथ से मोबाइल पकड़ने से थोड़ा दिक्कत होता है चलाने के लिए, क्योंकि ये गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं, मतलब अगर मेरा वैसा होता तो गियर शिफ्ट कर देता, लेकिन इसमें थोड़ा करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मतलब डायरेक्ट गियर मतलब क्लास पकड़ के शिफ्ट करना पड़ता है ना, तो ये क्लास पकड़ नहीं पाऊँगा अभी मोबाइल खराब हूँ। मैं आप लोग को मालूम है 4 नंबर गियर में चल रहा है अभी, और मुझे इसी में जाना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, पहले बहुत कॉलेज पहुँच लेते हैं, उसके बाद एग्जाम देने के बाद बात करेंगे क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे पूरा एकदम मतलब सूरज सर के ऊपर है, तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो गाइस अभी मतलब मैं कॉलेज से निकला हूँ परीक्षा दे के, तो अभी डायरेक्ट घर जाएंगे सबसे पहले। तो अभी घर निकला हूँ और मैं अपना ब्लॉग शुरू कर दिया हूँ घर जाने के लिए, तो ये थोड़ा शॉर्टकट है, इधर बाजपेयी के पास निकलेंगे हम लोग, शॉर्टकट है थोड़ा ये। तो वही बात है गाइस, परीक्षा दे लिया हूँ और टाइम हो चुका है अभी 12:20, और यहाँ पे मीटर में मतलब शो करता है टाइम पूरा, ठीक है। और एक बात है कि जगह जगह पे थोड़ा दबाने में मन करता है, लेकिन इनका ब्रेकिंग भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है SP125 का, और पिकअप तो मुझे लगता है थोड़ा कम है, लेकिन किसी और को नहीं भी लग सकता है, क्योंकि मैं एवेंजर भी चलाता हूँ ना, तो इसलिए मुझे लगता है इसका पिकअप थोड़ा कम है। अभी देखते हैं, आधा घंटे के बाद तो पहुँच ही जाएंगे, आधा घंटा नहीं लगता है बाइक में, थोड़ा कम से कम 20-25 मिनट लगता है अगर नॉन स्टॉप जाएंगे तो। अभी लेफ्ट तरफ जाना पड़ेगा हम लोग को, टाउन में जगह जगह में मतलब देख के पूरा चलाना पड़ता है, तो हम डायरेक्ट एकदम चला नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ भी आदमी कहीं से भी निकल जाते हैं, देखते नहीं है रास्ते पे और निकल जाते हैं, तो पूरा अच्छी तरह से देख के और संभल के चलाना पड़ता है। हनुमान जी लगा हुआ है इस गाड़ी के पीछे, बोलेरो जो है जैसे बोलेरो है, बोलेरो के पीछे हनुमान जी लगा हुआ है। अब ये देखिए इन लोग को देखिए, देखा एक चोमू है, ये लोग चोमू है, अभी आ गया है बाइक में, बाइक के सामने आ गए, देख रहा है कि एक बाइक आ रहा है, और ये तो मतलब टाउन है ना, तो टाउन में देख के मतलब पार होना चाहिए। ऐसे आदमी के वजह से तो हो जाता है ना घटना, तो आदमी क्या बोलता है, बाइक वाले का दोषी है, गाड़ी वाले का दोषी है, और ज़्यादातर ये सब टाउन में होता है।
अभी यहाँ से मतलब टाउन खत्म हो रहा है, यहाँ से टाउन अभी नहीं होगा, टाउन देखने को नहीं मिलेगा हम लोग को। हम लोग को सिर्फ अभी थोड़ी दूर के बाद, कम से कम 10 मिनट के बाद हम लोग को एक सेकंड टाउन देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत छोटा टाउन है एज कम्पेयर टू मॉन टाउन। और आप मेरे गिटार पे देखने से आप लोग को मालूम हो जाएगा कि मैं कौन सा गियर में हूँ, क्या कितना स्पीड में है, सब मेरा आपको मालूम हो जाएगा। देखते हैं और कितना समय लगता है उसके लिए। अच्छा, मैं हमेशा आते आते मतलब मुझे आदत हो गया है टाइम का मतलब मैनेज करने के लिए। तो आज यहाँ पे आए हैं, कुछ खाने के लिए आता हूँ यहाँ पे बीच बीच में, तो कुछ लाइटी लेंगे, इतना भरपूर नहीं लेंगे क्योंकि घर में तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना। तो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। খাবলে কি আছে দা? খাবলে খাবলে চাহ হব, চাহ কফি। तो आज अभी टाइम हो चुका है 1:43 और थोड़ी देर पहले मैं घर आकर पहुंचा था और खाना साना खा के पूरा फ्रेश हो चुका हूं। अभी देखिए पूरा बारिश दे रहा है और मतलब बोल नहीं सकते हैं, मतलब सूरज का रोशनी भी निकला हुआ है और बारिश भी दे रहा है, मतलब क्या मतलब सीजन होता रहता है, होता ही रहता है। तो अभी सिचुएशन ऐसा ही है कि घर में है तो और थोड़ी देर घर में रहेंगे, तो आप लोग देखते रहिए मेरा ब्लॉग और मैं ये बोलूंगा कि आप लोग का प्यार बना के रखिए, ठीक है? तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। टाइम हो चुका है आपका 4:20 और एकदम शाम का समय, आप लोग देख लीजिए एकदम पूरा शाम का समय है और छत के ऊपर हूँ मैं आज। तो वही बात है, पूरा दिन ऐसे जा रहा है, पास में एक ट्यूशन था वो ट्यूशन करा के आया हूँ और दुकान में अभी मैं नहीं हूँ क्योंकि परीक्षा चल रहा है गाइज, इसीलिए मैं दुकान में नहीं हूँ, वरना मैं अभी इस समय पर दुकान में होता हूँ। तो वही बात है गाइज, पूरा मतलब सीनरी आप लोग देख पा ही रहे होंगे, घर के सामने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ पे मतलब एकदम क्या बोले सबका मतलब पूरा टकरा है सब, ठीक है ना? तो बात वही है, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। अभी यहाँ पे ऊपर में थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं नेचर को, तो ठीक है। तो वही बात है, रात को जो जो होगा वो सब बताएंगे, सब दिखाएंगे और ये ब्लॉग रात तक आप लोग के पास पहुँच जाएगा एडिट करके। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 5:53 और एकदम मतलब शाम हो चुका है, शाम मतलब रात ही हो चुका है, ठंडा दिन है और पूरा बारिश दे रहा है गाइस। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड है और फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल पूरा दिन क्या क्या होगा आप लोग देखते रहिए और अपना प्यार बना के रखिए मेरे ऊपर, ठीक है ना? तो फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय और शुभ रात्रि।